हेलो दोस्तों मैं विनीता और मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे साबूदाना के पापड़ स्पेशली तो ये व्रत में ही बनाए जाते हैं लेकिन ऐसे आप साल में कभी भी जब भी आपका मन करे इनको बना के खा सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे मज़ेदार से पापड़ बनते हैं और इनको बनाना बेहद ही आसान है सिर्फ़ एक दिन में बिना धूप के आप इन पापड़ को बना सकते हैं फ्रेंड्स बहुत आसान रेसिपी आज मैं आपको देने वाली हूँ उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और देखिए कितने बढ़िया एकदम ट्रांसपेरेंट हैं देखिए पतले पतले से पापड़ हैं और खाने में ये बहुत मज़ेदार लगते हैं तो दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ फ्रेंड्स सब्सक्राइब के बटन के पास जो बेल का बटन है आप उसको भी साथ के साथ जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए तो आइए फिर शुरू करते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी करारे साबूदाना साबुदाना के पापड़ बनाना साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी साबूदाना लिया था और इसको रात को ही पानी में भिगो दिया था और अभी बहुत अच्छे से देखिए भिग चुका है अब हम कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले जो हमने साबूदाना भिगोए थे ये और उसके बाद जितना आप साबुदाना लेंगे उसके साथ गुना आपको इसमें पानी डालना है मतलब सात कप तो आपको जरूर डालना है आप चाहे तो आधा एक कप और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं तो जिस कप से साबुदाना मैंने नापे थे उसी कप से देखिए मैंने पानी नाप के सात कप डाल दिए हैं अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको उबलने देंगे जब तक कि अच्छे से साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए साबूदाना पापड़ को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ये एक आलू डालूंगी डालू इसको मैंने अच्छे से छील लिया और इसको बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट करना है आप चाहें तो आलू को छोटा छोटा काट के मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं लगातार इसको चलाते रहेंगे क्योंकि साबूदाना कई बार नीचे चिपक भी जाता है तो हमारे एक तो साबुदाना का कलर चेंज हो जाएगा उससे और फिर टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और ये देखिए आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया है इसको पानी के अंदर ही ग्रेट किया था और अब इसको छान दिया है पूरा पानी निकाल दिया छलनी में और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको ग्रेट किया है ये बहुत अच्छे लगते हैं साबूदाना के पापड़ में फ्रेंड्स अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं आलू ना डालें अकेले साबूदाना से भी पापड़ बनाया जा सकता है और अभी आपको देखिए बहुत ज़्यादा पानी लग रहा होगा ना इसमें लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है इतना पानी आपको ज़रूर लेना है नहीं तो जो आपका बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा बहुत जल्दी और अभी देखिए ट्रांसपेरेंट होने लग गए हैं साबुदाना फ्लेवर के लिए इसमें मैंने ये आधी चम्मच जीरा डाल दिया है और दस पंद्रह मैं इसमें काली मिर्च भी कूट के डालूँगी फ्रेश और थोड़ा सा डाल देंगे आधी चम्मच के जितना इसमें व्रत वाला नमक अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं क्योंकि मैं नवरात्रों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने व्रत वाला नमक डाला है अगर आप ऐसे ही रेगुलर खाने के लिए बना रहे हैं तो कोई सा भी नमक डाल सकते हैं तो कंटिन्यूसली देखिए इसको मैं चलाई जा रही हूँ और ये वाले पापड़ फ्रेंड्स आप पूरे एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं जैसे अच्छे से सूख जाए ना उसके बाद आप इनको किसी भी एटाई डब्बे में भर के रख दें और साल में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़े से नरम पड़ गए हैं तो आप दोबारा से एक बार धूप दिखा सकते हैं पंखे के नीचे सुखा सकते हैं तो देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है ये मिक्सचर साबूदाना भी पूरी तरह से देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया और जो हमने आलू डाला था वो भी अच्छा सॉफ्ट हो गया है और हमने इतना बारीक किया था ना आलू को कि वो इसके अंदर बिल्कुल घुल गया है तो सात आठ मिनट का समय हो गया और साबुदाना देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है ये बैटर हमारा पापड़ के लिए बिल्कुल तैयार है और इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है जब ये गर्म था तो आपने देखा ये रनिंग लग रहा था बिल्कुल पतला पतला लग रहा था लेकिन ठंडा होते होते देखिए कितना गाढ़ा हो गया है अब आप चाहें तो इससे इसी तरह से पापड़ बना सकते हैं लेकिन मैं इसको एक बार मिक्सी में पीस लूँगी इसको मैं स्मूद करके फिर इसके पापड़ बनाने वाली हूँ तो आपकी चॉइस है आपको जैसे पापड़ पसंद है अगर आप चाहते हैं कि कोई कोई दाना साबुदाने का दिखे तो आप ऐसे ही रख सकते हैं इसको मैं बिल्कुल एकदम इसको मिक्सी में पीस के बनाने वाली हूँ तो ये देखिए मिक्सचर साबुदाना का जो है बिल्कुल रेडी हो गया है पापड़ बनाने के लिए और देखिए कितना ज़्यादा अब ये गाढ़ा हो गया है अब हम इसके पापड़ बनाएंगे तो पापड़ बनाने के लिए मैंने ये चूड़ियाँ ली हैं जो पुरानी चूड़ियाँ होती हैं आप कोई भी प्लास्टिक का अगर आपके पास ढक्कन है उसको काट के ले सकते हैं ला या फिर ऐसे भी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं और ये मैंने प्लास्टिक की सीट ली थी इसी के ऊपर मैं पापड़ बनाई जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और पापड़ हमारे बनते जाएंगे और ये बिल्कुल गोल बनने वाले हैं और अभी आपको ये दिखने में थोड़े से दिख रहा होगा कि हम बै बैटर ज़्यादा ज़्यादा डाल रहे हैं थोड़े मोटे मोटे लगेंगे लेकिन जैसे जैसे ये सूखेंगे ना फ्रेंड्स ये बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे वो भी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो इसी तरह से हमें अपने सारे पापड़ बना लेने हैं और मैंने इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रखा उसके बाद रात भर पंखा चला के रख दिया था और एक ही रात में ये पंखे के नीचे बहुत अच्छे से सूख गए थे और एक सौ दस पापड़ बने हैं फ्रेंड्स अगर आप थोड़े से बन बड़े बनाएंगे तो भी पचास से आपके ज़्यादा ही बनेंगे और दो घंटे धूप में रखने के बाद कुछ इस तरह से पापड़ हो गए थे अब मैंने इनको पलट दिया है अब पूरी रात इसके नीचे हम पंखा चला के रख देंगे और ये देखिए पापड़ हमारे एक ही रात में पंखे के नीचे बनके तैयार हो गए हैं आप चाहें तो अगले दिन भी इसको थोड़ी सी धूप दिखा सकते हैं ताकि ये और अच्छे से सूख जाएँ और देखिए आपको मोटे मोटे दिख रहे थे ना पापड़ लेकिन अभी आप देखिए कितने ज़्यादा पतले कितने ट्रांसपेरेंट बन गए हैं ये, ये देखिए काली मिर्च और जीरे का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और काली मिर्च और जीरा आप व्रत में खा भी सकते हैं आप इसमें चाहें तो लाल मिर्च भी कूट के डाल सकते हैं जब आप बैटर बनाते हैं उसी टाइम पर तो सारे पापड़ मेरे देखिए बहुत अच्छे से सूख चुके हैं और ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जितने आपको फ्राई करने हैं उतने आप फ्राई कर लें और बाकी के बचे हुए आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख दें ये साल डेढ़ साल तक भी खराब नहीं होते हैं बहुत मज़ेदार लगते हैं फ्रेंड्स ये खाने में और मेरा तो इनको देख के इतना मन खुश हो रहा है ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करना एकदम आसान वाली रेसिपी मैंने आप फ्रेंड्स आप छोटा बच्चा भी इसको घर में बना सकता है कोई बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए काम जाम नहीं करना है बस जितना आप साबूदाना लें उसका सात आठ गुना आपको पानी लेना है मतलब एक कप या एक कटोरी साबूदाना के लिए आप सात या आठ कटोरी पानी डाल के इनको बना सकते हैं तो आइए अब इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है मैंने कढ़ाई में पहले से ही कुछ बनाया था उसी के अंदर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ तेल को अच्छा सा गर्म करके बस आप इसको डालिए और फटाफट से निकाल लीजिए बहुत जल्दी सिक जाते हैं ये और इनका देखिए कलर कितना अच्छा आ जाएगा फ्राई करने के बाद कितने बढ़िया वाइट एकदम ये देखिए और हमने एक आलू डाल दिया था ना उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है अब जब भी आप नवरात्र करें बिल्कुल मार्केट से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है आप अपने घर पर बना के इनको खाइए और बनाने में आपको दो चार दिन का समय नहीं लगेगा मैं आपको फिर से बता रही हूँ एक ही दिन में तैयार हो जाते हैं ये मेरे एक ही दिन में भी पापड़ी तैयार हो गए हैं तो पाँच सात पापड़ मैंने सेक लिए हैं और हाथों हाथ बच्चे इनको खा जाएंगे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आप चाहें तो ऊपर से इस पर थोड़ा सा कोई मसाला काली मिर्च चाट मसाला वगैरह डाल के भी इसको इन्जॉय कर सकते हैं तो सारे पापड़ मैंने देखिए जितने मुझे अभी खाने थे उतने फ्राई कर लिए और ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं और मैं आपको एक बार तोड़ के दिखाती हूँ फिर आप इसका देखना क्रंचीनेस इसकी देखना ये देखिए है ना एकदम मज़ेदार तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के लिए इतना ही जल्दी मैं आप सबसे मिलूंगी एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए मेरे सभी फ्रेंड्स को गुड बाय खुश रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें